शिक्षाविद नीलम वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक अरुणिमा के विमोचन समारोह का आयोजन बैंक रोड स्थित एक होटल में किया गया। शिक्षाविद समाजसेवी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं आद्या प्रसाद वर्मा मुख्तार की 50वीं पुण्यतिथि पर आयोजित पुस्तक विमोचन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल के अलावा पुस्तक की लेखिका नीलम वर्मा, प्रोफेसर चितरंजन मिश्र, रविन्द्र श्रीवास्तव उर्फ जुगानी भाई, संजय वर्मा सहित अन्य साहित्यकार और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया तथा सरस्वती वंदना के साथ किया गया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों द्वारा पुस्तक अरुणिमा का विमोचन किया गया। पुस्तक के संबंध में लेखिका नीलम वर्मा ने कहा कि समाज में फैली कुरीतियों और महिलाओं के प्रति लोगों की सोच को इस पुस्तक में दिखाने का प्रयास किया गया है, जिससे समाज में थोड़ा बदलाव हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुस्तक की लेखिका नीलम वर्मा ने कहा। आदरणीय से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम दीप प्रज्वलन पुस्तक में अरुणिमा तो एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसके बारे में सभी लोगों ने सुना होगा कि एक लड़की थी जो बाद में पर्वतारोही बनी। उसके साथ ट्रेन में जो हादसा हुआ, गुंडों ने उसके चीना जपटी के उसमें उसे बाहर फेंक दिया और किस तरह से जीवन से जूझती हुई वो फिर से खड़ी हुई और खड़े होने के बाद एक सफल पर्वतारोही बनी। साथ ही साथ उसने भारत का नाम बहुत रोशन किया। तो जो समाज में ये कुरीति व्याप्त है स्त्रियों के प्रति, बालिकाओं के विशेष रूप से, कि उनके साथ आए दिन घटनाएं घटती हैं और उनको इस तरह से छोड़ दिया जाता है, ये कहाँ तक सही है? क्या समाज में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं जिससे बच्चों को, लड़कियों को सुरक्षित रखा जा सके? कि लड़कियाँ लड़कों से किसी मामले में कम नहीं है। इस तरह के हादसे की शिकार हुई भी वो लड़की, उसने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा और किस तरह से प्रयास करते हुए एक सशक्त महिला के रूप में आगे उभरी। तो एक प्रेरणा मिली उसकी खुद के स्टेटमेंट से, पढ़ा हमने उसके बारे में, एकदम अंदर तक परेशान हो गए हम कि हमें कुछ करना चाहिए। तो मैं एक अध्यापक थी पहले, बाद में मैं उप प्रधानाचार्य के पद से रिटायर हुई। तो मेरे मन में इस तरह की बातें चलती हैं कि किस तरह से हमें इन समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। तो कुछ आसपास के लोगों को समझा करके, कुछ लिखने के माध्यम से, कविता के माध्यम से, तो जो मेरी पुस्तक का विमोचन है वो ऐसी ही कविताओं के आधार पर आधारित है, जिसमें कि आप समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अनर्गल प्रताप करते हैं, किसी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बिना उसके सही अर्थ को समझे, या कोई ऐसी चीज़ है जिसे जो मेरी निगाह में उसका कोई महत्व नहीं है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे मैंने बेंच का लिखा है, उपाना जूता,
जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन वो समाज में एक संदेश देता है कि अगर हम पति पत्नी के बीच में कोई रिश्ते हैं तो बीच में टूट जाते हैं, लेकिन जूता चप्पल एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक जोड़ा चप्पल है, एक खराब हो जाता है तो दूसरा अपना वजूद ख़त्म कर देता है, निसमर्पण का भाव है। ऐसे ही जो है नेताओं का है, कुछ भी बोल जाते हैं, किसी के भी बारे में चौकीदार कह दिया। चौकीदार का मतलब क्या, वो समझते हैं कि कितनी अहम भूमिका होती है, चाहे वो घर का मुखिया हो चौकीदार के रूप में, चाहे वो देश का सजग प्रहरी हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हो, कोई भी हो सकता है। तो चौकीदार एक ऐसा शब्द जिसे लोगों ने उपयोग में डाला वह गलत था, क्योंकि वह एक अहम भूमिका रखता है समाज में, उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे ही समाज बहुत सारी कुरीतियाँ व्याप्त हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारी इस किताब में कविता के माध्यम से हमने अपने भावों को घेरा है, और उसी का परिणति यह पुस्तिका जिसका आज विमोचन है अरुणिमा, यह सब लोगों के बीच में समर्पित है। अब तक कितना पुस्तक लिख चुके हैं? ये मेरी पहली पुस्तक है, ये मेरी पहली कृति है, और प्रेरणा स्रोत हमारा पूरा परिवार, मेरे बच्चे, तीन बच्चे हैं, तीनों बच्चे समाज में, सबसे पहले तो एक टीचर होने के नाते स्कूल में बच्चों के साथ जो हमने समय बिताया, बहुत सारी समस्याओं को उनकी सारी समस्या मेरे सामने आई, उन समस्याओं को देखते हुए इन सब छोटी छोटी कविताओं को लिखने की प्रेरणा मिली। जैसे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, एक टीचर का क्या महत्व है समाज में, क्या होना चाहिए, टीचर्स डे कैसे बनना चाहिए, या किस तरह का माहौल हो जो बच्चों को हम नैतिक शिक्षा के बातें बताए, केवल कोरे ज्ञान से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप ऐसी शिक्षा दीजिए कि उन्हें नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान प्राप्त हो, मानवीय मूल्यों का भी ज्ञान प्राप्त हो, उन्हें किस तरह से समाज में अपने जीवन को बिताना है, लोगों के प्रति कैसे रहना है, आचार व्यवहार विचार सब कैसे देना है, इन सारी चीज़ों को इस पूरी पुस्तक में कविता के माध्यम से हमने लिखने की कोशिश की है। मेरा एक छोटा सा पहला प्रयास है,